थाना कोतवाली क्षेत्र से किशोरी के अपहरण के मामले में नामजद चारसू दरवाजा के रहने वाले मंजीत को दोषी पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट परवेज अख्तर ने 5 साल कैद और 7,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में युवती के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। थाना कोतवाली क्षेत्र से किशोरी के अपहरण के मामले में नामजद चारसू दरवाजा के रहने वाले मंजीत को दोषी पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट परवेज अख्तर ने 5 साल कैद और 7,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। वादी ने कोतवाली थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी 17 साल की पुत्री 1 दिसंबर 2019 को रात 1 बजे बिना बताए घर से निकल गई थी। परिजन संभावित स्थानों पर तलाश कर रहे थे, इसी बीच पता चला कि मंजीत उसकी बेटी को बहला फुसला कर ले गया है। इसके बाद वादी की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमे के बाद पत्रावली पर उपलब्ध सबूत एवं विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा के तर्क पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट परवेज अख्तर ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत दोष मुक्त कर अपहरण के आरोप में आरोपी को दोषी पाए जाने पर 5 वर्ष कैद और 7,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।